अन्योहासयो अरुण, मन्ना सो फंगावायो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि न्यू ईयर की शुरुआत एक से बढ़कर एक सरप्राइज के साथ हो रही है। इन्हीं सरप्राइजेस के बीच एक ऐसी गुड न्यूज आई है जिसे देखने और सुनने के बाद आप सच मानिए खुशी से झूमने लगेंगे। लेकिन इस अमेजिंग न्यूज को हम आपके साथ शेयर करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, 90s में मणिपुर जैसे छोटे से स्टेट से शुरू होने वाली कोरियन वेव आज ऑल ओवर इंडिया में पहुंच चुकी है, और शायद ही आज ऐसा कोई स्टेट हो जहां ये वेव ना पहुंची हो। डायनामाइट के रिलीज के बाद तो ये वेव इंडिया के हर एक घर तक पहुंच चुकी है। यही रीजन है कि इंडियन BTS आर्मी ने अपने फेवरेट बटर बॉयज को 40 मिलियन व्यूज का गिफ्ट देकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। और ऐसी ही एक और अमेजिंग हिस्ट्री क्रिएट करते हुए इंडियन BTS आर्मी ने 2021 में अपने नाम एक और रिकॉर्ड बनाते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अगर डिटेल में बात करें तो अभी दो दिन पहले ही यूट्यूब ने अपना टॉप 10 कंट्रीज का ईयरली चार्ट शेयर किया, जिसमें इंडिया सभी कंट्रीज को पीछे छोड़ते हुए सेकेंड नंबर की रैंक पर पहुँच गयी है, जो कि इंडियन BTS आर्मी के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है, क्योंकि 2020 में इंडिया 5th रैंक पर थी। वहीं अगर 2019 की बात करें तो कोविड पैंडेमिक से पहले इंडिया का टॉप 10 कंट्रीज में कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। तो हमारी जो ओल्ड BTS आर्मी है वो इस बात को अच्छे से समझ सकती है कि ग्लोबल स्टेज पर सेकंड रैंक हासिल करना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मेरी तरह जो ओल्ड BTS आर्मी है वो इस बात को जानती है कि एक टाइम ऐसा भी था जब इंडियन आर्मी लिमिटेड थी। उस टाइम हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि बांग्टन बॉयज इंडिया आएंगे, लेकिन 1.25 बिलियन जैसे अनबिलीवेबल नंबर ने ये साबित कर दिया है कि जल्द ही इंडिया नंबर 1 पर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि जापान और इंडियन नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये डिफरेंस भी जल्द ही कवर हो जाएगा। और ये न्यूज भी हमारे बांग्टन बॉयज के पास पहुंच गई होगी कि पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है, और इंडियन आर्मी भी शान से टॉप पर पेंट कर रही है। हाँ, ये बात तो सच है कि बार बार कोविड के स्प्रेड होना हमारे बांग्टन बॉयज को इंडिया आने से रोक रहा है, लेकिन जैसे ही ये सब नॉर्मल होगा वैसे ही बांग्टन बॉयज इंडिया आने की प्लानिंग कर लेंगे, और हम भी जब तक हमारे फेवरेट बॉयज को सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, पूरी दमे तो बायो।